गुड मॉर्निंग असलकुम आदाब आज हम वो वाला टॉपिक इस सेगमेंट में डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे हम या हमारे बच्चे जिंदगी कामयाबी से जी सकते हैं खुशी से जी सकते हैं और पीसफुल उनका माइंड रहेगा दे विल भी सेटिस्फाई और वो चीजें हैं कुछ डूज एंड कुछ डोंट्स अगर लाइफ में हम खुद उनको अप्लाई करें या अपने बच्चों पर करें वो डूज एंड डोंट्स पर अगर हम वो तो फिर हम डिटेल में बाद में बात कर सकते हैं उनको कि हर एक जो ये डूज एंड रूट्स है उनको कैसे किया जा सकता है या एनकलकेट कैसे किया जाता है सो so, मैं आपको बताता हूं वो है उनको यार लाइफ के टेन सीक्रेट्स कहिएगा आप तो पहला है कि वाट इज द मोस्ट सेल्फिश वन लेटर वर्ड दैट इज आई क्योंकि आई के अराउंड ही सब कुछ रिवॉल्व होता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन आई नीड दिस आई वॉन्ट दिस आई डोंट वॉन्ट दिस मेरी ओपिनियन ये है मुझे ये मिलना चाहिए इट इज ऑल मी आई 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 एंड आई आई से बदले कि मुझे क्या मिलने के बदले हमें सोचना चाहिए कि मैं क्या दे सकता हूँ चाहे सोसाइटी को या सो आई से यू तक जाने के लिए हमें जो करना है प्रोग्राम जो हम वर्कशॉप्स में कराते हैं बच्चों को कराते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे तो दूसरा जो है वाट इज दट मोस्ट सेटिस्फाइंग टू लेटर वर्ड वन लेटर तो आया आ गया जिससे हमने वट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट या कहिए सेटिस्फाइंग जो टू लेटर वर्ड है दैट इज वी देखिए रिलेशनशिप मीन्स मोर देन वन अकेले आपके पास करोड़ों रुपया है अरबों रुपया है प्रॉपर्टी है पचास रूम का आपका मकान है तो क्या करेंगे आप यू नेवर बी सेटिस्फाइड उसको चाहिए इवन एंजॉय करने के लिए वी नीड मोर देन वन सो so, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते अकेला वही अच्छा सजता है सो वी नीड हमें कहना चाहिए आई से वी तक वी कैन डू मोर वी कैन एन्जॉय सो आई से वी वो वी के बारे में अलग सेगमेंट में हम बात करेंगे कैसे ये होता है फिर उसके बाद वट इज द मोस्ट पॉइजनस थ्री लेटर वर्ड थ्री लेटर वर्ड जिसकी वजह से हमारी रिलेशन सारी खत्म हो जा सकती है हम परेशान होते हैं और खुदा न खास्ता घर टूटते हैं रिश्ते टूटते हैं दैट इज कॉल्ड ई जी ओ ईगो और ईगो चला देता है रिश्तों को खत्म कर देता है चाहे दोस्ती हो चाहे घर में हो चाहे कहीं पे भी हो सो so, ईगो से हाउ टू हम उसको कहते हैं कि ट्रांसफॉर्म ईगो इंटू ह्यूमेलिटी वो अगेन वर्कशॉप्स में या बाकी सो वट इज द फोर लेटर मोस्ट यूज फोर लेटर वर्ड कौन सा है जिसकी हमें वैल्यू करनी चाहिए जिसको हमें कदर करनी चाहिए और जिसके बगैर मुझे लगता है कि हर किसी की जरूरत है दैट इज एल ओ वी ई लव और वो हमें बांटना चाहिए तो दुनिया भी और घर भी और माहौल भी बहुत अच्छा रहेगा दैट इज लव एंड वट इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग फाइव लेटर वर्ड जो फाइव लेटर वर्ड है दैट इज जिससे हमारा फेस वैल्यू बढ़ जाता है दैट इज स्माइल इवन परेशानियों में भी स्माइल करना सीखिएगा एक भरोसा रखिएगा कि ही इज देयर उसके पास प्लान है क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी है तो हाउ टू लर्न हाउ टू स्माइल और व्हाट इज द मोस्ट फास्टेस्ट स्प्रेडिंग वर्ड जिससे हमें इग्नोर करना चाहिए उसको आप र्यूमर कहें या वॉस्फ कहें या हम जो अकीबत करते हैं उससे कैसे बचा जाए उसके लिए ट्रिपल फिल्टर टेस्ट वो भी हम अलग सेगमेंट में हम आपको बताएंगे और ऐसे ही सेवेंथ जो है ये टेन जो है प्रिंसिपल्स कहिए सिक्रेट्स कहिए या कीज कहिए जिंदगी को कामयाबी से जीने के लिए वाट इज सिक्स्थ हमने बोला जो गॉस्प इसको बचना चाहिए इससे सेवन हार्ड वर्किंग जो सेवन लेटर वर्ड है हार्ड वर्किंग दैट इज सक्सेस उसके लिए हमें नॉलेज चाहिए पैशन चाहिए पेशेंस चाहिए और ये चीजें सेवन सेवन ये है उसको कैसे किया जाता है वो हम आपको आगे बताएंगे देन एट टोटल नाइन टेन है एट है सबसे ज्यादा बर्निंग जो बर्निंग लेटर कौन सा है दैट इज जेलेसी जेलेसी से हम उस पर अपनी नाकामी पे ज्यादा दुखी नहीं होते दूसरे की सुख पे चोर तो जाते हैं जो जेलेसी तो उसको कम कैसे किया जाता है देन देयर इज नाइंथ वर्ड मोस्ट पावरफुल वर्ड इन द वर्ल्ड दैट इज नॉलेज वो कहीं से भी हमें मिले वो लेनी चाहिए एंड लास्ट जो है दैट इज कनेक्शन कनेक्शन उसके साथ कनेक्शन फैमिली के साथ ऐसा है वो अगर हम इन चीजों को डूज और डूट्स को आप फॉलो करेंगे तो जिंदगी हमारे लिए भी और अगर हम यही इनकलकेट बच्चों में करेंगे तो बेहतर हो जाएगी दे विल लिव सेटिस्फाइड लाइफ पीसफुल लाइफ और सक्सेसफुल लाइफ एंड दियर लाइफ विल बी सिग्निफिकेंट सो आज मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए Good morning, J&K.